और जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले जौनपुर से बड़ी खबर, जहां पर मनमानी पर उतारू है थाना सुजानगंज पुलिस। रविवार के अवकाश पर थाना सुजानगंज के वर्दीधारी थाना प्रभारी अखिलेश कुमार को नहीं है पुलिस कप्तान का भय, फरियादियों से गलत व्यवहार करती है सुजानगंज पुलिस। बता दें आपको कि इसमें एसओ की मनमानी का जिक्र सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फरियादियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार की मनमानी यहां पर देखी गई है, फरियादी पुलिस के इंतजार में है, लेकिन फरियादियों की सुनने वाला यहां पर कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के निरीक्षण के लिए आगरा पहुंची। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी कैंपस पालीवाल परिसर, छलेसर, खंदारी और संस्कृति भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के कई अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। विश्वविद्यालय में रखे हजारों साल पुराने संग्रह को डिजिटल करने के आदेश भी दिए। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में रखी हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां डिजिटल की जाएंगी, जो पांडुलिपियां ज्ञात हो और अज्ञात कवियों के द्वारा लिखी गई हैं, जिनमें कई धातुओं पर इन पर उकेरा गया है, जो कि 1 से 1.5 हजार वर्ष पुरानी है। बता दें कि रविवार को आगरा पहुंचने के बाद राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने KMI संस्थान में रखी पांडुलिपियों को देखकर ये आदेश दिए हैं। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार उन्होंने विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन के साथ साथ पालीवाल परिसर, खंदारी परिसर और छलेसर कैंपस का भी निरीक्षण किया।